हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। यस गाइस, सो हाउ आर यू ऑल। मैं होप करता हूं आप सारे लोग अच्छे हो गए। सो आप सारे अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए गाइस और पढ़ते रहिए। यस गाइस, सो इस वीडियो में हम जा रहे हैं सीखने समय। इंग्लिश में हम कैसे देखें उसको, कैसे बोले, हम बोलते हैं 12:05 हो रहा है, 11:25 हो रहा है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोले, या हम ऐसे बोलते हैं कि 12:20 बाकी है, 12:15 बाकी है, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोले। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे आस्क फ्रॉम अस दैट व्हाट टाइम इज इट, देन जनरली व्हाट वी डू, वी रिप्लाई इन हिंदी बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू reply them in English. That's why we do that. So in this video I am going to clear your concept that how you can reply in English, how you can tell anyone what time is it. ठीक है, so पहला सवाल आता है हमारा, हिंदी में हम पूछते हैं कितना बजा है, समय क्या हुआ है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, what time is it, what time it is नहीं बोलेंगे, what time is it? इट बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन किया जा रहा है इसलिए, या हम ऐसे बोल सकते हैं व्हाट इज द टाइम, ये भी बोल सकते हैं, तरीका बोलने का है, ये एक हुआ तरीका। अब हम एक और क्वेश्चन आता है, घड़ी में कितना बजा, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, सो व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच। मेरे साथ आप लोग सारे बोलिएगा, क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच, ऑन योर वॉच नहीं बोलिएगा, ठीक है, बाय योर वॉच लगेगा। ठीक है, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच, यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो इफ यू वॉन्ट। ठीक है, अब मैंने देखिए एक घड़ी बनाया, अब सीखते हैं कि कैसे हम इंग्लिश में उसको देखेंगे। सो गाइज, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट दैट प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो, ट्राई टू वॉच टिल द एंड, देन यू कैन लर्न द कॉन्सेप्ट, देन यू कैन गेन द नॉलेज, वट एवर इट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो पहला मैंने लिखा, अब मैं स्टार्ट करता हूं कि 12 बजा स्टार्ट मैंने किया था, 12 से हम यहां से स्टार्ट करके एकदम लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को बोलना है कि 12 बजा है, तो क्या बोलेंगे, इट्स 12 o'clock, क्या बोलेंगे, मेरे साथ आप लोग बोलिएगा। ठीक है, इट्स 12 o'clock इंग्लिश में, इसका मतलब है 12 बजा है, ये हो गया इट्स 12 o'clock। अब नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं 12:05 हुआ है, 12:05 हुआ है, तो हम हिंदी में पहले घंटे को बोलते हैं फिर मिनट को बोलते हैं बाद में, बट इंग्लिश में हम मिनट को पहले बोलेंगे और घंटे को बाद में बोलेंगे। ये 5 मिनट है, ये 12 घंटा है ना, तो इसको पहले बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ध्यान से, इट्स 5:12, इट्स 5:12, याद रखिएगा, ऐसे बोलेंगे, पहले हम मिनट को पहले बोलेंगे, घंटे को हम बाद में बोलेंगे, इट्स 5:12, 2:05 हुआ है, इट्स 5:02, 11:05 हुआ, इट्स 5:11, ऐसे करके हम बोले। ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं नेक्स्ट लिखा 12:10 हुआ है, तो इट्स 10:12। गाइस, मैंने सारा चीज लिखा है 12 से लेके पूरा यहां तक, ताकि आपका कॉन्सेप्ट है जो पूरा क्लियर हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सो 12:10, इट्स 10:12, 10 जो है मिनट है उसको मैंने पहले लिखा, और घंटा जो 12 है वो बाद में लिखा, इट्स 10:12। 10:10 हुआ, इट्स 10:10, 3:10 हुआ, इट्स 10:03। अब मैंने लिखा 12:15 हुआ, 12:15 जिसको हम बोलते हैं, तो हम या तो ऐसे बोल सकते हैं इट्स 15:12, बट हम ऐसे बोलेंगे इट्स 12:15, क्या बोलेंगे, इट्स 12:12, 3:15 हुआ, इट्स 3:15, 5:15 हुआ, इट्स 5:15, तो यहां पे याद रखिएगा 12:15 हुआ है, इट्स 12:12 बोलेंगे। ठीक है, 12:20 हुआ है, इट्स 20 past 12, मेरे साथ बोलिएगा, इट्स 20 past 12, 12:20 हुआ। अब आते हैं 12:25 हुआ है, इट्स 25 past 12, 12:25 हुआ। अब आता है 12:30 हुआ है, जिसको हम बोलते हैं 12:30, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इट्स 30 past 12, बट हम बोलेंगे इट्स 12:30,
इट्स हाफ पास्ट 12। यहाँ पे 12:30 है, इसलिए हम हाफ लगा रहे हैं, आधा। सो इट्स हाफ पास्ट 12, 12:30 हुआ है। 3:30 बजा है, इट्स हाफ पास्ट 3, 5:30 हुआ है, इट्स हाफ पास्ट 5, ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं कहा 12:35 है। अब यहां से 12:30 के बाद है जो 1 बजने वाला है, 12:30 के बाद 1 बजता है ना, तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं, 12:35 हुआ है, या हम ऐसे बोल सकते हैं 1 बजने में 20 मिनट बाकी है या 25 मिनट बाकी है, दो तरीका से हम बोल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 12:30 के बाद हम यहां से अगर पहुंचेंगे तो अब 1 की ओर ना बढ़ेंगे, इसके बाद 1 ना बजेगा, 12:30 हो गया है तो यहां के बाद 1 ना बढ़ेगा, तो हम दो तरीका से बोल सकते हैं। अगर 12:35 हुआ तो हम ऐसे बोल सकते हैं 12:35 हुआ है, या 1 बजने में 25 मिनट बाकी है, दोनों तरीके से हम इंग्लिश में बोलेंगे, वही समझेंगे। अब मैंने लिखा 12:35 हुआ है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इट्स 12:35, या हम ऐसे बोलेंगे 25 मिनट बाकी है 12 बजने में, सो इट्स 25:12, इट्स 25:12, 25 मिनट बाकी है 1 बजने में, सॉरी 12 नहीं 1, सो इट्स 25:21 बोलेंगे, 25 मिनट बाकी है 1 बजने में। 12:40, इट्स 40:12, या हम ऐसे बोलेंगे 20 मिनट बाकी है 1 बजने में, सो इट्स 22:01, 20 मिनट बाकी है 1 बजने में। 12:45 मतलब कि 12:45 बज रहा है, तो क्या बोलेंगे, इट्स 12:45, 15 मिनट बाकी 1 बजने में, जिसको हम 12:45 बोलते हैं हिंदी में, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं इट्स 45:12, ऐसे भी करके आप बोल सकते हैं, बट 12:45 हो रहा है, सो इट्स 12:45 बोलिएगा, 12:45 हो रहा है, इट्स 12:45, 12:45 हो रहा है, मतलब कि 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, इट्स 12:45, ऐसे करके हम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा 12:50 हो रहा है, सो ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स 12:50, या हम ऐसे बोलेंगे इट्स 10:01, 10 मिनट बाकी है 1 बजने में। 12:55 हो रहा है, इट्स 12:55, या आप ऐसे बोलिए इट्स 12:01, 5 मिनट बाकी है 1 बजने में। मिनट वाला को हम पहले लिखते हैं, घंटे वालों को बाद में लिखते हैं, मैं अभी बताया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन आता होगा कि सर इट्स 12:05 क्यों बोल रहे हैं, 12:05 पास क्यों लगा रहे हैं, तो याद रखिएगा क्योंकि 5 मिनट है जो बीत गया है, 12:05 हुआ है, तो ये जो 5 मिनट है वो बीत गया, इट्स 10:12, 10 मिनट जो बीत गया है 12:10, तो वहां पे 10 पास लगा रहे हैं, इसलिए समझ में आ रही बात को, वो बीत गया है, वो पास्ट हो गया है, इसलिए हम वहां पे 10:12 करके 12:05 करके बना रहे हैं। अब एक और मैंने लिया, मान के चलिए मैं बोल रहा हूं 12:58 हो रहा है, 12:58 हो रहा है, 12:57 हो रहा है, 1 बजने में 2 मिनट बाकी है, 1 बजने में 3 मिनट बाकी, सो हम बोलेंगे इट्स 2:01, 1 बजने में 2 मिनट बाकी है, इट्स 3:01, 1 बजने में 3 मिनट बाकी है, तो ये हमारा होता है तरीका, ऐसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम व्हाट यू हैव टू डू गाइस, नाउ आई हैव टाउट यू दैट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ समवन आस्क्स फ्रॉम यू दैट व्हाट टाइम इज इट, देन यू हैव टू रिप्लाई इन इंग्लिश दैट दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द format which you can use, which you can apply in your daily to daily life, and try to take your mind that you have to reply in English. Got it? Yes, guys. So, हमने अब सीख लिया कि time कैसे देखा जाता है English में. So, guys, from next time आप इसको implement कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए अपने daily to daily life में, और सबके साथ इस information को, knowledge को share कीजिए कि कैसे time देखे सब. Yes, guys. So, that's all from my side. If you like my video, just do like, share, comment and subscribe to my channel. Guys, अगर आप अपना प्यार दिखाइएगा तो मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा. Just you have to do one thing, that you have to keep
supporting. You have to keep sharing my video to everyone, to your family and friend. After that, I will keep making videos like that for you only. Okay, so that's all. Have a nice day. Jai Hind, everyone. अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एक बार अच्छे से समझ लीजिए और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा गाइस.